हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी ब्रेड फिंगर्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ब्रेड से आपने ब्रेड पकोड़ा तो खाया होगा बहुत बार, लेकिन चलिए आज हम ब्रेड से कुछ नया ट्राई करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और ब्रेड फिंगर्स के लिए आपको किन सामग्री की ज़रूरत है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले दो हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक ले लीजिए, और दाल जिसको हमने पहले ही भिगोया हुआ था, उस दाल को जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसमें अदरक और हरी मिर्च डाल दीजिए, और इसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। और फाइन पेस्ट बनने के बाद हम इसमें कटी हुई धनिया डाल देंगे, और धनिया डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए, और इसके बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें जो हमारे मेन फ्लेवर्स थे वो तो आ ही गए हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, और काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है, और अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और चटनी के लिए हमें ज़रूरत है हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। सभी सामग्री को मिक्स करके ग्राइंड कर लीजिए, और इसमें नमक मिक्स कर लीजिए, तो आपकी जो चटनी है वो भी बिल्कुल तैयार है। और अब हम ब्रेड लेकर उनके जो एजेस हैं उनको रिमूव कर देते हैं। और इनको रिमूव करने के बाद हमें एक ब्रेड के ही दो भाग कर लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से हम सारे जो ब्रेड है उनके एजेस हटाकर उनके एक ब्रेड के हम दो भाग कर लेंगे। अब हमें चटनी को इवनली ब्रेड पे स्प्रेड करना है, और एक ब्रेड पे स्प्रेड करने के बाद दूसरी प्लेन ब्रेड को उसके ऊपर रख के हमें उसको जो हमने बैटर रेडी किया था उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिप कर देना है। दाल के बैटर में ब्रेड अच्छी तरीके से कवर हो जाना चाहिए। इसके बाद हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो आपने ब्रेड पकोड़ा तो बहुत बार खाया ना, इस बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इसमें एक साथ आपको बहुत सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम अपनी बची हुई सारी ब्रेड पर चटनी को स्प्रेड कर देंगे, और हम अपने सारे जो ब्रेड फिंगर्स हैं उनको तैयार कर लेंगे। तो देखा कितना आसान है इस चटपटे नाश्ते को बनाना। ब्रेड फिंगर्स में दो फ्लेवर्स तो हमने ऐड कर लिए, पहला चटनी का और दूसरा दाल में मसाले डालकर। तो चलिए अब हम इसमें एक तीसरा जो फ्लेवर है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो हमने कुछ प्याज काट लिए, उसमें हम नींबू का जूस डाल देंगे। इसके अलावा भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारे गर्मा गर्म ब्रेड फिंगर्स है उन पे गार्निश करके उन्हीं के साथ खाएंगे। तो तैयार हैं हमारे यम्मी टेस्टी ब्रेड फिंगर्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो जाइए और जल्दी से इसको बनाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।